और आपको लग रहा होगा ट्रेन में बैठा हूँ, तो भाई देखो मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जिस जगह ने मेरे को ये फोन दिया है। मैंने बहुत पहले एक बार गम्मा लगाई थी, तो मैंने बोला था एक बार गम्मा में कि यार मेरे को ये फोन चाहिए, तो 3 साल का मैंने वेट किया था और उसके बाद ये फोन मेरे को मिला, तो मेरे को परगम्मा लगाया भाई। ऑब्वियसली लगानी है मेरे को परगम्मा, यार मुझे लगा कि यार गॉड बिलीव इन गॉड, मैं तो फुल बिलीव करता हूँ गॉड पे, सर अपने भाई कट्टर सीधी सी बात है ना। तो बस यही है, आप परगम्मा लगाने जा रहे हैं जिस ट्रेन में, अभी जिस अलवर का स्टेशन ही हो गया है क्रॉस नहीं, अभी तो अलवर क्रॉस नहीं हुआ जस्ट है ना, बट तो गोवर्धन स्टेशन पे जाएंगे एंड परगम्मा लगाएंगे और अभी का सीन होगा ट्रेन होगा। पुलिस लोगों के साथ जा रहा हूँ मैं, एक होमेश्वर का बताया आपको, मेरे साथ जो हमेशा चलता है वो हिमांशु, हाँ ये होमीज मेरे हमारे साथ चलता है और ये आपने देखा होगा मेरे डांस की वीडियोस में लॉक की है ना, और भी दो बंदे मेरे साथ हैं, मैं दिखाता हूँ उनको भाई। एक अपना ये भाई है किडू एंड अरुण, यानी होमीज लोग अपने साथ हैं और देखते हैं उधर, अभी कोई ऐसा सीन नहीं है कि ज्यादा बवाल करेंगे उधर, कुछ नहीं बस परगम्मा करेंगे है ना, तो बस यही है परगम्मा लगाएंगे फुल मन से। पप्पू पप्पू क्या कर रहा है, तो यार मन से परगम्मा देखिए अभी जब आप आगे ये यार हिमांशु लगा चीता ही कहते ट्रेन में कोई भी जो व्यू होगा तो मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा, आपको दिखाऊंगा। और ये मेरे साथ है मेरा दोस्त जो मेरे ही साथ फेवरेट गाने सुनता है एक्सटेंशन का, मेरे को फेवरेट लगता है क्योंकि मैं भी एक्सटेंशन के गाने सुनता हूँ, बट ये क्या है सीन, हाँ तो कर लेना बोल देना इसको क्या ठीक है, ओ मिरर चेक कर लिया, लो मिरर चेक कर भाई अपना फोन के त्या हरकत कुछ अलग कर रहा है, मेरे को अच्छी नहीं लगती हरकत, बट कोई बात नहीं, मेरा एडिटर है तो इतना मैं सहन सकता हूँ, आगे और दिखाते हैं ब्लॉग में, अभी हिमांशु की बारी है, हिमांशु अपना ब्लॉग बनाएगा, तो इसी फोन से बन रहे दोनों लोग, दिखा सकते हैं नहीं नहीं दिखाएंगे ऐसा, वो नहीं करते किसी को भाई। फाइनली जो गोवर्धन की धरती यहाँ पर अपने पहला स्टेप रखी थी, की जय तो भाई आपने फाइनली देखा होगा धुम्मा उठा दिया भाई उतरते ही, लोग वहाँ ऐसे चिल्ला, और हमारे एक दोस्त था हमारा अरुण करके, उसी ने सबसे ज़्यादा दुम्मा उठाया, गला बैठ गया मेरा भी थोड़ा तो। हाँ तो पर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टेशन पे आए जस्ट अभी, ये मेरा भाई शूटर था अभी जस्ट, इसने शूट किया था उससे पहले भी जो क्लिप देखी होगी आपने, तो बस अब ऑटो में बैठ के धान घाटी उतर देंगे और वहाँ से फिर परगम्मा स्टार्ट कर देंगे। तो परगम्मा में ब्लॉग थोड़ा थोड़ा बनाऊँगा क्योंकि आपको पता आईफोन का इशू होता है ये थोड़ा बहुत चार्ज का ना, तो बस ठीक है मिलते हैं। जो बिल्कुल जो है ना कि जैसे जो इसको धरती को डिपेंड करता है, तो उसी के बेस पे ये पोस्टर बनाए गए, वहाँ पर भी ऐसे हैं, वहाँ पर भी कृष्ण जी, वहाँ पर भी राधा कृष्ण जी, एंड देन इसी के लोग टूटाते हुए सारे बैठे हुए हैं, कह रहे भाई फोटो क्लिक कर दे, बट मैंने बोला पहले ब्लॉगिंग कर दे,
तो ये बोल रहा है लाउडली बोल, आ भाई क्या हाल चाल, आ भाई ओ लाल लग रहा पूरा कैमरा में, हाँ भाई मार चले फिर चलो चलते ये रेस्टोरेंट में अच्छा खाना था, दाल खाई थी अच्छी लगी बहुत है ना वो तो दाल तो थोड़ी मतलब ये तीखी थोड़ी कम थी यहाँ की है ना अलवर की तो बहुत तीखी होती है, बोल तीखी थोड़ी कम थी अच्छा लगा वैसे भी बाकी साफ सफाई बस बढ़िया था, नाम भी बहुत अच्छा है इसका लाडली रेस्टोरेंट, तो यही है बस और फिर निकलते हैं परगम्मा लगाएंगे भाई खा पी लिए सब अब आराम से करके लाइक हैंड वॉश वगैरह करके अच्छी तरीके से और फिर लगाते हैं परगम्मा, छोटी परगम्मा या बड़ी परगम्मा देखेंगे कौन सी लगाएंगे फर्स्ट, जो भी होगा अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो आपको लग रहा होगा कि मैं शर्ट लेस कैसे मतलब यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, तो ये मामा का घर है हमारा, हिमांशु का मामा इधर ही रहते हैं गोवर्धन में, तो चाची जी गोवर्धन की इधर ही स्कूल में पढ़ी, मैं आपको स्कूल भी दिखा दूँगा अगर मौका लगा तो उधर भी जाने का उधर साइड का, तो यहाँ पे जस्ट अभी शर्ट लेस इसलिए क्योंकि नहाई गई भाई गर्मी में पूरा बेहाल हो गए, ऑटो मिले थे बट वो काफ़ी मिलते हैं 10-10 में भरो भरो भाई भीड़ में, हम तो नहीं चले, मैंने कहा चलना तो पैदल चलना वहाँ रेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें तो स्टे क्या था यहाँ पर कि हमें मामा का घर में नहीं जाएगा स्टे के लिए, तो इसलिए और तो सब सीधा परगम्मा लगाएंगे पर हम नहाएंगे कोई पता नहीं कैसे कैसे हाथ पैर लगे ट्रेन वगैरह में कैसे सब चीज़, तो इसलिए आराम से नहाएंगे तो फिर दो दिन बिल्कुल परगम्मा जब देंगे अपने भूख लगा के आराम से, तो जस्ट अभी नहा लेते हैं और अपने शॉर्ट्स में दूंगा मैं तो परगम्मा क्योंकि गर्मी थोड़ी लग सकती है क्योंकि गर्मी है उमस इधर थोड़ी कम है बट अलवर से, हाँ तो बस इधर जस्ट हम निकलते हैं यहाँ के तेर तो जानो थोड़े बहुत पर परे को चले हुए ने वो बीच में सांस लेनी जरूरी है परगम्मा इज डन, बहुत सही टाइम पे परगम्मा दे दी, रेस्ट भी कर लिया, अब ट्रेन देखते हैं ट्रेन कितने बजे आती है, आई थिंक शायद शाम को नहीं लगे ट्रेन, ट्रेन शाम की काफ़ी होते हैं तो शाम को निकलते हैं जल्दी पर परगम्मा टाइम हो गए बहुत अच्छी बात है जल्दी टाइम पर दे दिया, मॉर्निंग में करीबन 6 बजे दे दी बाहर स्टार्ट कर दी दोनों परगम्मा दे दी थी, बैर हम निकलते हैं जल्दी शायद शाम को मिलता है नेक्स्ट प्लान का।